हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बनाना चिप्स। मुझे आज अपने गार्डन में केले नजर आए तो मुझे लगा आज तो केले के चिप्स बनाने चाहिए, तो मैंने 2-3 काट लिए। तो बस अब हम शुरू करते हैं केले के चिप्स बनाना। तो सबसे पहले हम लोग इन केलों को धो लेंगे और इसके बाद इनको छील लेंगे, और छीलने के बाद हम इनको पानी में डाल देंगे ताकि ये काले ना पड़े। अब हमारे केले छिल गए, तो या तो हम इनको इनके चिप्स एक प्लेट में निकाल लेंगे या हम डायरेक्ट गरम तेल में चिप्स निकालेंगे। गरम तेल में डायरेक्ट निकालने से ये आपस में चिपकते नहीं हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट गरम तेल में इनको निकालती हूँ। और बचा हुआ केला मैंने पानी में डाल दिया। ये 2 से 3 मिनट लेते हैं और ये गोल्डन ब्राउन कलर के जैसे ही हो जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि ये फ्राई हो चुके हैं, और मैंने ये इनको निकाल लिया। अब मैंने बचे हुए केले को थोड़ा सा वाइप कर लिया, और इसके बाद फिर दोबारा डायरेक्ट तेल में ही केले के चिप्स निकालने शुरू कर दिए। बहुत ही झटपट रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी, आप फास्टिंग में भी इसको खा सकते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं। अब मैंने दूसरे भी केले के चिप्स निकाल लिए। अब मैंने एक प्लेट में इसको लिया। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 मसाले। इसके लिए मैंने सबसे पहले डाला नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ये 2-3 मसाले जिसमें चाट मसाला, लाल मिर्ची पाउडर और काली मिर्ची पाउडर है। तो सबसे पहले थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तीखा खाना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम लाल मिर्च डाल सकते हैं। और अब थोड़ा सा काली मिर्च, और अगर आपको हींग का फ्लेवर अच्छा लगता है तो थोड़ी सी हींग, और हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे और हमारे केले के चिप्स तैयार। और अगर हमें इसको फास्ट में खाना है तो सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर इसको डालकर हम इसको फास्ट में भी खा सकते हैं।